हेलो फ्रेंड वेलकम टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लर्निंग चैनल और आज के सेशन में हम एक इंसिडेंस के थ्रू समझेंगे कि बिलो प्लेडिंग की रिक्वायरमेंट कैसे हम डिसाइड करते हैं हमें ओरिजिनल बिलो प्लेडिंग चाहिए या आरएफएस चाहिए या सी वे बिल चाहिए इस चीज़ को हम एक इंसिडेंस के थ्रू समझते हैं ठीक है तो इंसिडेंस ऐसा हुआ था कि हमारे पास एक ऑर्डर आया था श्रीलंका से ठीक है एज पर ऑर्डर हमने अपने प्लांट को इन्फॉर्म किया मटेरियल रेडी करने के लिए प्लांट ने अपना मटेरियल रेडी करने के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करके मैन्युफैक्चरिंग करवा के उस मटेरियल को एज पर गिवन डेट रेडी करवा दिया ठीक है अब हमने इस साइड अपने सीएचए को बताया कि भाई हमें इस कंटेनर प्लानिंग चाहिए तो थ्रू ई मेल हमने एस पर कंटेनर प्लानिंग भेजी सी एच ए को कि आप हमें ये कंटेनर अरेंज करवा दीजिए ठीक है तो उसमें हमने जो ई मेल भेजी उसमें कमर्शियल इनवाइस अटैच करके उसे पूरी डिटेल मैंशन कर दी कि भाई हमें इस कंट्री के लिए इस साइज़ का कंटेनर चाहिए और ये मटेरियल में एक्सपोर्ट करें सारा वैसे पूरी डिटेल इन्वाइस और पैकिंग लिस्ट में लिखी रहती है तो सी एच ए आल्सो कैन डिसाइड कि कंटेनर की साइज़ क्या है ठीक है और अगर रेगुलर सी है तो उसको ऑलरेडी पता रहता है इस चीज़ का ठीक है तो उसने कंटेनर हमें प्लांट में भेज दिया कंटेनर की बुकिंग कंटेनर की पैकिंग हो गई लोडिंग हो गई और फिमिगेशन भी हो गया अब हुआ क्या हमने कंटेनर डिस्पेज कर दिया ठीक है हमने चेकलिस जो अब आई थी सी को हमने भेजी थी इन के थ्रू सी एच ने हमें जो चेकलिस्ट भेजी थी अप्रूवल के लिए वो हमने अप्रूव कर दी सारा सब कुछ ठीक चल रहा था यहाँ तक हमने शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन भी अपने सी को दिए उसने हमें बी ड्राफ्ट भेजा बी ड्राफ्ट भेजा तो हम इस टाइम पर ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमें कौन सा बी एल लेना तो हमें नॉर्मली ओरिजिनल बिलो बी एल ड्राफ्ट ले लिया ठीक है यहाँ पे हमें से यही प्रॉब्लम हुई कि हमने ये डिसीज़न नहीं लिया कि इस सिचुएशन में मैं कौन सा बी ड्राफ्ट लेना चाहिए क्योंकि जो श्रीलंका है वो बहुत पास की कंट्री है बारह घंटे के से मतलब चौबीस घंटे के, के अंदर अंदर बारह से चौबीस घंटे के अंदर आपका कंटेनर श्रीलंका में लग जाता है ठीक है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमारा कंसाइनी उसकी डिलीवरी ऑर्डर नहीं ले सकता ठीक है तो हमने क्या किया था जो बी एल बिलो बडिंग था उसका हमने औरिजिनल बिलोप्लेटिंग रखा एस ओ बी बी एल ठीक है अब एस ओ बी केस में होता क्या है जब आपकी शिपमेंट सेल हो जाती है उसके बाद आपको शिपिंग लाइन बी एल देती है तो शिपमेंट सेल होने के बाद जब बी एल आपके पास आएगा आपको बी एल वो आपको वहाँ पे आपके ऑफिस में डिलीवर करवाएगा उस तो आपका डिलीवर होने के बाद आप उसके पेपर बनाओगे ओके और पेपर बनाने के बाद पेपर चेक इन वेरीफाई होंगे और उसको बैंक में लगवाएंगे डॉक्यूमेंट को बैंक भी चेक इन वेरीफाई करके कोरियर करेगी डेस्टिनेशन पे मीन्स आपके श्रीलंका भेजेगी डॉक्यूमेंट को तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा तो ये ये आपका कम से कम दो या से तीन दिन लग जाएगा इस प्रोसीजर में और हमारा कंट्री तो वहाँ पहुँच ही गया है श्रीलंका में तो अब हम क्या करेंगे उसको डिलीवरी ऑर्डर तो ले नहीं सकता वहाँ पर पेलेंटी लग जाएगी कस्टमर क्योंकि मटेरियल आपका अगर पोर्ट पे रखा हुआ है और आप उसको छुड़वाओगे नहीं तो वहाँ पे पोर्ट के चार्ज लगने लगे स्टार्ट हो जाएंगे तो इस इस वजह से हुआ क्या फिर हमने कंटेनर वहाँ पे भेज दिया वहाँ पे सॉरी जो इंस्ट्रक्शन दिए थे बिल ड्राप अप्रूव हो गया उसके बाद जो इस पर इंसीडेंस आपको बता रहा हूँ ठीक है आपका एग्ज़ामिनेशन होगी शिपमेंट और कस्टम यार्ड पे सी पोर्ट पर लोड हो गई लोड होने के बाद में कंटेनर आपका वहाँ लग गया ओके okay, तो यहाँ पे शिपमेंट जब सेल हुई है, हमें बिलो ब्लेडिंग मिला हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए और बैंक में लगवाए अब भैया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे थे और वहाँ पे कंटेनर आपका कोलंबो पोर्ट पे पहुँच गया था ठीक है अनलोडेड भी हो गया और उनको उनके वहाँ से हमें ई मेल आया कि यहाँ पर पहुँच चुका है और हमें अभी तक तो डॉक्यूमेंट नहीं मिले ठीक है तो इस केस में फिर हमने देखा कि अगर हम औरजिनल प्लेडिंग ओप्लेडिंग लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो बिलो प्लेडिंग मिलेगा हमें सिपमेंट सेल होने के बाद मिलेगा ठीक है तो फिर हमने आरएफएस बिलो प्लेडिंग लिया आरएफएस में क्या होता है कि श्... आपकी सेल होने से पहले ही बिलो प्लेटिंग मिल जाएगा आपकी शिपमेंट का लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा जब शिपमेंट आपकी कस्टमर एग्जामिन हो जाएगी और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद आपको शिपिंग लाइन बिलो प्लेटिंग दे देगी तो आर एफ एस बिलो होगा रिसीव फॉर शिपमेंट ये आपको मिल जाएगा तो इसमें क्या कि आपकी शिपमेंट एग्जामिन होने के बाद चार पाँच दिन आपको पोर्ट पर पहुँचने में लगेंगे और चार पाँच दिन पोर्ट पर पहुँचेंगे उसके बाद लोडिंग शिपमेंट सेल होगी और फिर पहुंचेगी तब तक हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट प्रिपेयर करके बैंक में लगवा सकते हैं ठीक है तो ये टाइम आपका बच जाएगा क्योंकि आपको शिपमेंट सेल होने से पहले ही ओरिजिनल बिलो ब्लैडिंग मिल गया ठीक है तो बात चल रही थी हमारी जब वहाँ पर पोर्ट पर आपके गुड्स थे वो पहुँच गए उसकी ई आया तो ई मेल यहाँ पे हाई आ, हाई लेवल पे मे, मेल आया सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने फिर सबको बताया कि ऐसी गड़बड़ हो गई है फिर वहाँ से हमने काउंटर में से लिया कि अब हमेशा हम श्रीलंका के लिए आर एफ एस बिलो प्लेडिंग लेंगे ताकि ये ए सी प्रॉब्लम ना आए ओके और इससे भी बेस्ट है कि आप एक्सप्रेस बिलो प्लेडिंग ले लो ठीक है तो बिलो प्लेडिंग का जो टाइप होता है वो डिसाइड करता है कि आपको अपने कंसाइनी से पेमेंट कैसे कलेक्ट करनी है ठीक है जैसे ओरिजिनल बिलो ब्लैडिंग है उसमें क्या होगा ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग वहाँ पहुँचेगा ठीक है तो वहाँ की बैंक में पहुँचेगा यहाँ की बैंक के थ्रू ओके वो कैसे फॉर एग्जांपल आपके सिमेंट सेल हुई आपको ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग मिला आपने बैंक में लगाया अपनी बैंक में ठीक है एज एक्सपोर्टर आपकी ओरिजिन ओरिजिन बैंक में लगाया फिर ओरिजिन बैंक ने उसको डेस्टिनेशन बैंक में भेजा ओके कंसाइनी बैंक में वहाँ उसको मिला तो वहाँ पे क्या ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग का प्रोसीजर ये है कि पेमेंट के केस में जब तक कंसाइनी बैंक को पेमेंट नहीं करेगा बैंक उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देगी बी ओ नहीं देगी बैंक रिलीज ऑर्डर नहीं देगी और जब तक बैंक कंसाइनी को पेपर नहीं मिलेंगे वो शिपिंग लाइन से कंटेनर नहीं छुड़ा सकता तो ये डिसाइड करता है विलोप्लेटिंग पेमेंट का प्रोसीजर तो अगर आपकी पेमेंट एडवांस में हो तो आप एक्सप्रेस बिल भी ले सकते हो एक्सप्रेस बिल में क्या होता है कि आप अगर सॉफ्ट कॉपी भी भेज दोगे अपने कंसाइनी को तो वो उससे भी दिखा के शिपमेंट को छुड़ा सकता है ठीक है वैसे तो मैंने बी एल टाइप की एक इसमें वीडियो भी बना रखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि बी एल टाइप का क्या इंपॉर्टेंस होता है ठीक है सो गाइज़ आज के सेशन में इतना ही हमने इसमें यही जाना है कि आ, बिलो प्लेडिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है बी एल बिलो प्लेडिंग के टाइप का क्या इंपॉर्टेंस होता है सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन हैव ए नाइस डे